तो आज हम मार्च से लेकर अप्रैल तक की आने वाली 15 सबसे बड़ी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो बॉलीवुड और साउथ सिनेमा से आने वाली है, जिसे देखने के लिए फैंस लोग भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये फिल्म मार्च से लेकर अप्रैल तक की आने वाली सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, जो आने वाले टाइम में सभी बड़ी बड़ी फिल्म का भी रिकॉर्ड तोड़ देने वाला है, वो भी कलेक्शन के मामले में। तो चलिए देखते हैं मार्च से लेकर अप्रैल तक की कौन कौन सा फिल्म होने वाला है। तो चलिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके करते हैं स्टार्ट। तो हमारी इस लिस्ट के फर्स्ट फिल्म है, वो है ऑपरेशन वैलेंटाइन। और ऑपरेशन वैलेंटाइन एक एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर वरुण तेज एक एयरफोर्स के किरदार में नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शक्ति प्रताप सिंह, वो भी काफी बेहतरीन लेवल के साथ। और आपको बता दूं, ये फिल्म भारत और पाकिस्तान की स्टोरी पर आधारित फिल्म होने वाला है, जिसे हम लोग 16 फरवरी 2024 को पहले देखने वाले थे, लेकिन अब इस फिल्म को हम लोग 1 मार्च 2024 को देख पाएंगे। अब जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद हमारे इस लिस्ट के सेकंड फिल्म है फैमिली स्टार। और फैमिली स्टार विजय देवरकोंडा की आने वाली एक फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाला है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं परशुराम, जिसने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदा जैसी बेहतरीन फिल्म पहले भी बना चुका है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दूं, इस फिल्म में विजय देवरकोंडा के साथ मुन्नलाल ठाकुर और दिव्यांश कौशिक जैसे बड़े एक्टर भी दिखाई देंगे। इसके अलावा ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर हमें लव स्टोरी भी देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को हम लोग 5 अप्रैल 2024 को देख पाएंगे। उसके बाद हमारे इस लिस्ट के जो थर्ड फिल्म है वो है शैतान। और शैतान अजय देवगन की आने वाली एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर अजय देवगन और ज्योतिका जोकी लीड रोल में नजर आएंगे, और साथ ही में आर माधवन एक हॉरर के किरदार में दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं विकास बाल्लाल, वो भी काफी बेहतरीन लेवल के साथ, जिसके अंदर हमें काफी ज्यादा डरावना सीन भी देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को हम लोग 8 मार्च 2024 को देख पाएंगे। मैं चाहे कुछ भी कहूं, मेरे बहकावे में मत आना। उसके बाद हमारे इस लिस्ट के फोर्थ फिल्म है डबल स्मार्ट शंकर। और डबल स्मार्ट शंकर राम पोतनी की आने वाली एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाला है, जिसे डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ सर डायरेक्ट कर रहे हैं, वो भी काफी बड़े लेवल में। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म में संजू बाबा जो कि विलेन के किरदार में नजर आएंगे, और साथ में राम पोतनी जो कि हीरो के किरदार में दिखाई देंगे। इसके अलावा ये फिल्म 2019 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म स्मार्ट शंकर का सीक्वल पार्ट होने वाला है, जिसे देखने के लिए फैंस लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। और इसी एक्साइटेड को देखते हुए इस फिल्म को भी 8 मार्च 2024 को रिलीज किया जा रहा है। उस्ताद स्मार्ट शंकर। उसके बाद हमारी इस लिस्ट के जो 5 फिल्म है वो है भीमा। और भीमा गोपीचंद की आने वाली एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर गोपीचंद एक गाय के साथ नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं हर्षा, जिसने बेदा जैसी बेहतरीन फिल्म पहले भी बना चुका है। और आपको बता दूं, इस फिल्म में गोपीचंद के साथ मालविका शर्मा और प्रिया भवानी जैसे बड़े एक्टर भी दिखाई देंगे। इसके अलावा इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है 8 मार्च 2024 को। उसके बाद हमारे इस लिस्ट के जो 6 फिल्म है वो है द डिप्लोमेट। और द डिप्लोमेट जॉन अब्राहम की आने वाली एक एजेंट ड्रामा फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर जॉन अब्राहम एक एजेंट के रोल में नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शिवम नायर, जिसे हम लोग 12 जनवरी 2024 को देख पाएंगे। उसके बाद हमारी इस लिस्ट के जो 7 फिल्म है वो है योद्धा। और योद्धा सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर सिद्धार्थ मल्होत्रा एक सोल्जर के किरदार में नजर आएंगे, और साथ में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ दिशा पठानी और राशि खन्ना जैसे बड़े एक्टर भी दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे पुष्कर ओझा, वो भी काफी बेहतरीन लेवल में। इसके अलावा इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है 15 मार्च 2024 को। उसके बाद हमारी इस लिस्ट के जो 8 फिल्म है वो है थंगलन। और थंगलन चियन विक्रम सर की आने वाली एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म होने वाला है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं पारंजित, वो भी काफी बड़े लेवल में, जिसने अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से कबाली जैसी बेहतरीन फिल्म पहले भी बना चुका है। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म में चियन विक्रम सर काफी भयानक लुक में नजर आएंगे, और साथ में मालविका मोहन भी दिखाई देंगे। इसके अलावा ये फिल्म काफी पुरानी स्टोरी पर आधारित फिल्म होने वाला है, जिसे हम लोग अप्रैल के महीने में देख पाएंगे, वो भी पैन इंडियन लेवल पर।
उसके बाद हमारे इस लिस्ट के जो 9 फिल्म है वो है बड़े मियां छोटे मियां। और बड़े मियां छोटे मियां अक्षय और टाइगर की आने वाले एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जो कि एक सोल्जर के किरदार में नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आलिया भट्ट जाफर, जिसने सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी बेहतरीन फिल्म पहले भी बना चुका है। इसके अलावा ये फिल्म बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है 2024 की, जिसके अंदर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे बड़े एक्टर भी दिखाई देंगे, वो भी नेगेटिव रोल में। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दूं इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है, जिसका बजट कम से कम 350 करोड़ रुपए का होने वाला है, वो भी हिंदी तमिल तेलुगु और कन्नड़ा भाषाओं के साथ, क्योंकि इस फिल्म को पैन इंडियन लेवल पर रिलीज किया जा रहा है, जिसे हम लोग 10 अप्रैल 2024 को देख पाएंगे। उसके बाद हमारे इस लिस्ट के 10 फिल्म है वो है गॉडलाइफ। और गॉडलाइफ पृथ्वीराज सुकुमारन की आने वाली एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर पृथ्वीराज सुकुमारन काफी खतरनाक लुक में नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे बलेशी, वो भी काफी बेहतरीन लेवल के कॉन्सेप्ट के साथ। इसके अलावा इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे, जिसे हम लोग 10 अप्रैल 2024 को देख पाएंगे। उसके बाद हमारी इस लिस्ट के जो 11वां फिल्म है वो है मैदान। और मैदान अजय देवगन की आने वाली एक बायोग्राफी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर हमें 1952 के फुटबॉल मैच को खेलते हुए दिखाया जाएगा। आखिर 1952 में भारत कैसे जीता था फुटबॉल मैच में, ये सब कुछ दिखाया जाएगा इस फिल्म के अंदर। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे अमित शर्मा, जिसके अंदर अजय देवगन एक कोच के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा 10 अप्रैल 2024 को। उसके बाद हमारी इस लिस्ट के 12वां फिल्म है इंडियन 2। और इंडियन 2 कमल हसन सर की आने वाली एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर कमल हसन सर फिर से एक बार सेनापति का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शंकर सर, वो भी काफी बेहतरीन लेवल में, क्योंकि ये फिल्म 1996 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म इंडियन का सीक्वल पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर कमल हसन सर के साथ काजल अग्रवाल जो कि सपोर्टिंग रोल में दिखाई देंगे। इसके अलावा इस फिल्म को बनाया जा रहा है 250 करोड़ के बजट में, वो भी हिंदी तमिल तेलुगु कनाडा भाषाओं के साथ। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रहा है कि इस फिल्म को अप्रैल के एंड में रिलीज करने वाले हैं। इंडियन इज बैक। उसके बाद हमारे इस लिस्ट के 13वां फिल्म है द क्रेप। और द क्रेप एक ड्रामा फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर करीना कपूर, कीर्ति सुनन और तब्बू जैसे बड़े एक्टर जो कि लीड रोल में दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे राजेश कृष्णा, वो भी काफी बेहतरीन लेवल में, क्योंकि इस फिल्म में हमें कॉमेडी भी देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा जैसे बड़े एक्टर भी दिखाई देंगे, वो भी कॉमेडी करते हुए। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को हम लोग देख पाएंगे 22 मार्च 2024 को। उसके बाद हमारे इस लिस्ट के 14वां फिल्म है वो है रत्नम। और रत्नम विशाल की आने वाली एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर विशाल और प्रिया भवानी जो कि लीड रोल में दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं हरी, जिसने सिंघम जैसी बड़ी फिल्म पहले भी बना चुका है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म को 26 अप्रैल 2024 को रिलीज किया जा रहा है। उसके बाद हमारे इस लिस्ट के जो 15वां फिल्म है वो है बारोज। और बारोज मोहनलाल की आने वाली एक फैंटास्टिक ड्रामा फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर मोहनलाल सर काफी खतरनाक लुक में नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं मोहनलाल सर ही, जिसके अंदर मोहनलाल सर के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे बड़े एक्टर भी दिखाई देंगे। और आपको बता दूं ये फिल्म मोहनलाल सर की पैन इंडियन फिल्म होने वाला है, जिसे हम लोग 8 मार्च 2024 को देख पाएंगे, वो भी काफी सारे भाषाओं के साथ। तो यही थी मार्च से लेकर अप्रैल तक की आने वाली 15 सबसे बड़ी फिल्मी। तो आप लोग मार्च से लेकर अप्रैल तक की कौन कौन सी फिल्म देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, जरूर से कमेंट करके बताना। इसके अलावा यदि आप मेरा रोस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, तो प्लीज एक बार के लिए वीडियो को चेकआउट जरूर से कर लेना। और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।